नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बात करेंगे कानपुर में। कानपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार रुकने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भयमुक्त राज्य बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जात पात को लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा मामला कानपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। कल्याणपुर क्षेत्र की रहने वाली प्रार्थनी मालती व पड़ोस में रहने वाले राजेश कुमार, उसकी पत्नी प्रगत से दिनांक 19 अगस्त 2022 को मामूली विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों में जात पात की बात छिड़ गई। परंतु पड़ोसी राजेश कुमार और उसकी पत्नी प्रगत हर रोज कुछ न कुछ बहाना लेकर विवाद करने पर तुले रहती थी। कल रात यानी 31 अगस्त 2022 को प्रार्थनी जब अपने मायके में थी तो पड़ोसी राजेश, उसकी पत्नी प्रगत, प्रार्थनी ने घर का ताला तोड़ जेवरात व कुछ नकदी लेकर गायब हो गए। पता जब चला जब घर में काम करने वाली नौकरानी ने इसकी सूचना दी। आज पड़ोस का भी कहना है कि पड़ोसी राजेश व उसकी पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि हमारी खबर चलने के बाद कल्याणपुर थाना सुनवाई करते हैं या नहीं। लाइव टीवी समाचार जनपद उन्नाव से नफीस खान की खास रिपोर्ट। मेरे घर के बगल में नए किराएदार रहे हुए 6 महीने हो गए हैं। वो मेरी मम्मी के साथ और मेरे साथ काफ़ी विवाद करते, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब कुछ करते हैं। ये रात में घटना हुई है। सुबह 20 बजे हम 20 तारीख को थाने गए हैं। थाने में जब हमने कंप्लेन दर्ज करी है तो 1 घंटे बाद वो भी आई है। एक पक्ष की यहाँ पर सुनवाई हो रही है। मेरे साथ मारपीट गाली गलौज छेड़खानी उसके हस्बैंड ने घुस कर की, मेरे कपड़े फाड़े। हम लोग 19 तारीख की रात से अभी तक लगातार थाने में दौड़ रहे हैं, चौकी में दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग 10 दिन से हम लोग पीड़ित होकर इतना डर गए थे कि हम लोग अपनी नानी के घर पर रह रहे हैं। उसके बाद आज रात में मेरे पास फ़ोन आया है मेरी नौकरानी का, रात में भी फ़ोन आया और फिर सुबह 8:40 पर भी फ़ोन आया कि आपके घर में दरवाज़ा तोड़ा गया है और चोरी हुई है। जब समय पर सब लोग पहुँचे तो मेरे घर में पूरा सामान अस्त व्यस्त था, मेरे सारे जेवरात चोरी हो गए हैं और बगल में रहकर वो फिर भी हम लोगों को गाली गलौज और धमकी दे रही है। ये कल्याणपुर थाने का मामला है और हम लोगों ने आवास विकास चौकी में भी, हम लोग कल्याणपुर आवास विकास हम बेडकरपुरम में रहते जी, क्या कार्रवाई हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बस हम लोग से एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करते। मीडिया वालों के माध्यम से यूपी पुलिस प्रशासन से आप क्या कहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं सर। हम लोग बस न्याय चाहते हैं कि अगर एक पक्ष की सुनवाई हो रही, हम लोग इतने पीड़ित हैं, हम लोग इतने दिन से परेशान अपने घर से अपनी माँ को लेकर हम अकेले रहते हैं। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनका नाम मालूम है जी? क्या नाम है उनका? मिस्टर राजेश सिंह यादव और उनकी वाइफ का नाम है प्रगति। भी आई है एक पक्ष की यहाँ पर सुनवाई हो रही है। मेरे साथ मारपीट गाली गलौज छेड़खानी उसके हस्बैंड ने घुस कर की, मेरे कपड़े फाड़े। हम लोग 19 तारीख की रात से अभी तक लगातार थाने में दौड़ रहे हैं, चौकी में दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग 10 दिन से हम लोग पीड़ित होकर इतना डर गए थे कि हम लोग अपनी नानी के घर पर रह रहे हैं। उसके बाद आज रात में मेरे पास फ़ोन आया है मेरी नौकरानी का, रात में भी फ़ोन आया और फिर सुबह 8:40 पर भी फ़ोन आया कि आपके घर में दरवाज़ा तोड़ा गया है और चोरी हुई है। जब समय पर सब लोग पहुँचे तो मेरे